ये क्वेश्चन देखिए, पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। अब देखिए, आपको जो एरिया है वो करना है मैक्सिमाइज, तो बेसिकली एक एरिया का फंक्शन बनेगा, वो जो फंक्शन है वो वन वेरिएबल में होना चाहिए। वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने जो सिलेंडर का किया, सिलेंडर में बेसिकली आपने किया क्या, आपके पास दो वेरिएबल थे, रेडियस था और हाइट था। देयर वॉज सम रिलेशन विच वॉज गिवन बिटवीन आर एंड एच। आपने जब सरफेस एरिया का जब फंक्शन बनाया, तो फंक्शन में जो वेरिएबल था वो इनमें से सिर्फ एक था। नहीं समझ में आया? तो समझ आया, समझा सर। क्योंकि एक वेरिएबल होगा, उसी को तो आप डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू जीरो करोगे, और वो जो वैल्यू है वो सेकंड डेरिवेटिव में डाल के आप बोलोगे कि मैक्सिमम होने वाला है या मिनिमम होने वाला है। चला जी, रूल समझ आए? यस सर। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 16 कैसे करना है। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना? यस सर। यस सर। देखिए क्वेश्चन 16, देखिए ये मेरा ट्रायंगल, एक साइड मैंने एक्स मान ली, दूसरी वाई मान ली, और ये मेरा 4 सेंटीमीटर। याद रखिए ये राइट ट्रायंगल नहीं है, तो राइट ट्रायंगल मत मान लीजिए उसको। पेरीमीटर दिया हुआ है तो एक्स प्लस वाई प्लस 10, तो एक्स प्लस वाई में ये रिलेशन आ गया। चिराजी कोई डाउट यहां तक? हजारों साल पहले मुझे ये हेरोंस फॉर्मूला कराया था, याद आया? हेरोंस फॉर्मूला। यस सर। ये आपने 8th 9th में किया होगा, 2-3 साल बाद ये दोबारा फिर इसको लिखा होगा। इसमें अगर आपको याद है, एस को आप सेमी पेरीमीटर बोलते थे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमाई पेरीमीटर जो भी आप इसको बोलते हैं। सेमाई पेरीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, ये मेरा पेरीमीटर है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मेरी एस की वैल्यू आ गई ए, और ये मैं अगर आपको रिवाइज करूं तो ए बी सी जो है दे आर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चिराग जी भूले तो नहीं इसको? सर नहीं आता, लेकिन फिर मैंने देख के फिर समझ, याद आपको। अब आज जी आपको कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। चिराग आपने इसके सम्स किए हुए नहीं किए हुए? सर किए मैंने सम, लेकिन समझ नहीं आया, मैंने लिखे सब। नहीं नहीं ये हेरोंस फॉर्मूला के आपने कभी क्वेश्चंस? नहीं सर याद तो नहीं है, तो मुझे ठीक है, तो मैं अलग एक बना दूंगा, मैं आपको अलग एक वीडियो बना के भेजता हूँ। ओके सर। अभी तो सिर्फ समझ लीजिए कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है, अभी सिर्फ समझ लीजिए, इसके 2-3 सॉल्यूशन, 2-3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बना के मैं आपको अलग भेज दूंगा। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि इफ आई हैव अ ट्राइंगल जिसकी ईच साइड इज, सॉरी, लेंथ ऑफ द साइड इज ए बी सी, लेंथ ऑफ साइड, तो एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब ये हुआ कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चिराजी यहां तक कोई डाउट? नो सर। हेरोंस फॉर्मूला बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर कोई डाउट है? नो सर। इसके जब भी मेरे को टाइम होगा मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि ये किस लिए चाहिए होता है? फॉर अ सिंपल रीजन, इसलिए चाहिए होता है कि दूसरा कोई भी राइट ट्राइंगल हो उसका तो आपके पास फॉर्मूला है ही, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। इसलिए हेरोंस फॉर्मूला चाहिए होता है, क्योंकि इसमें आपके पास ये राइट एंगल नहीं है, इसलिए आपको चाहिए होता है। तो अब देखिए, फिर मैंने एरिया एफ की, मैंने पेरीमीटर मुझे दिया हुआ था, पेरीमीटर क्या था, 10 था, तो सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू मुझे पता चल गई 5 होगी। तो ये एस की वैल्यू मैंने डाल दी यहां पर, ये जो एस था एस की वैल्यू मैंने 5 5 5 5 डाल दी, और ये एक्स है, वाई है, और 4 है। तो मेरे पास ये
एरिया का फंक्शन बन गया, ये बन गया। सर यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अगर आपको मेरी अभी तक की बात समझ आ रही है, मैं आपको ये कह रहा था कि देखिए ये आपके पास रिलेशन है बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में, आपके पास ये रिलेशन है कि एक्स प्लस वाई जो है वो सिक्स के इक्वल है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आपके पास दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को लेके तो आगे जा नहीं सकते, एक को ही लेके जाना पड़ेगा। डिसाइड कर लीजिए किसको, किसी को भी लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक्स को नहीं लेके जा सकते, वाई को लेके जा सकते हैं, या वाई को नहीं लेके जा सकते, एक्स को लेके जा सकते हैं। तो आपने चुपचाप क्या किया, एक्स की वैल्यू क्या डाल दी, सिक्स माइनस वाई, वो आपने डाल दी यहां पर। चिराग जी समझ आ रहा है? नहीं आ रही? समझ आ रहा है। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, सिक्स माइनस वाई, देयरफॉर फाइव माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, फाइव माइनस सिक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस वन, और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है वाई माइनस वन। सर कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो डाउट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एरिया स्क्वायर क्या आ गया, फाइव वाई, ये आपके पास एरिया स्क्वायर आ गया। इसका मैंने क्या मारा, डिफरेंशियल। सर बात समझ आ रही? जीरो करना है, इसको अगर जीरो करना है, ये सारा का सारा आपका जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स वाई क्या हो जाएगा, थ्री। राजी को डाउट है? ये लास्ट पार्ट नहीं समझ रहा। क्या नहीं समझा? ओके नहीं सर, समझ आया। यस सर। क्या डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं सर, समझ आया। मैं तो सट सट करके कर रहा हूँ, आपको हो सकता है डाउट है। समझ। ये देखिए यार, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा सर, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों को स्क्वायर कर दिया। यस सर। मैंने दोनों का स्क्वायर किया, जब मैंने दोनों का स्क्वायर किया तो मेरे पास ये फंक्शन है, इसका मैंने क्या करना है, डिफरेंशियल लेना। और क्योंकि मैं मैक्सिमा या मिनिमा कर रहा हूं, तो जो भी डिफरेंशियल मैं लूंगा उसको मुझे जीरो के इक्वल तो करना ही है। और जब मैं जीरो के yes, जब मैं इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो ये सारा का सारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो yes, ये जो वाई है ये भी इस साइड जाके जीरो हो जाएगा। y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, थ्री। सर कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। अब देखिए y इज इक्वल टू थ्री पे, y इज इक्वल टू थ्री पे कोई चेंज होने वाला है, वो चेंज क्या होने वाला है वो मुझे पता नहीं। सर कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। नहीं सर। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास दो चॉइस, आपके पास दो चॉइसेस है, या तो फर्स्ट मेथड जिसमें आप नेबरहुड का स्लोप चेक करते हो, या सेकंड मेथड जिसमें आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो। अब थोड़ा सा मुश्किल क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना ठीक है आप निकाल के कर सकते हैं, बट मुश्किल ये हो जाती है यार अगर आपके पास फंक्शन ऐसा हो, ये गंदा सा भद्दा सा फंक्शन हो, इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो यार टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका। अब्बास जी मेरी बात समझे? हाँ सर। तो बेटर ऑप्शन ये होती है, बेटर ऑप्शन ये होती है कि जो भी आपका पॉइंट आया, जैसे y इज इक्वल टू थ्री आपका पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया y इज इक्वल टू थ्री, y इज इक्वल टू थ्री पे देख लीजिए कि आपका जो स्लोप फंक्शन है, आपका जो स्लोप फंक्शन है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। स्लोप फंक्शन है क्या आपके पास? स्लोप फंक्शन आपके पास है 5, 6 minus 2y whole upon twice of area। चिराग जी समझ आ? Yes sir। देखिए एरिया आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। Yes sir। ये सबको भूल सकते हैं आप, इनको देखने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना है सिर्फ इस पे 6 minus 2y पे। अगर 3 के लेफ्ट साइड पे आप जाते हैं,
थ्री के लेफ्ट साइड पे जाते हैं, मतलब कोई इजी पॉइंट ले लीजिए जीरो, तो आपका जो लेफ्ट साइड पे स्लोप फंक्शन जो है वो है पॉजिटिव। अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो आपका जो स्लोप फंक्शन है, लेट अस अज्यूम यू टेक अ पॉइंट लाइक 5, तो आपका स्लोप फंक्शन आ जाता है नेगेटिव। बेसिकली आपकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव जाएगी, तो ये जो आपका पॉइंट है y3, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा सर। यस सर। डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, नो डाउट। अब आज समझ आएगी मिस्टर चिराग क्या कह रहे हैं? हाँ सर, थोड़ा बहुत। हाँ चिराग जी ये कह रहे हैं कि सर ये जो आपका जो फंक्शन है ना, ये जो एरिया स्क्वायर का जो आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन इन्वर्टेड पैराबोला। नहीं समझ में आ? हाँ सर, सॉरी नहीं समझ आया। तो ये देखिए यार, एरिया का जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, तो यार ये जो जब हमारा देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो हमेशा पैराबोला होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर होगा, और अगर यही क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव हो तो पैराबोला ऐसा होगा। सर नहीं समझ रहे? समझा सर। तो मिस्टर चिराग ये कह रहे हैं कि सर आप एरिया फंक्शन को देख रहे हो, एरिया फंक्शन में आपका ये जो है ये नेगेटिव है, इसलिए ये जो पैराबोला है वो ऐसे बनने वाला है, और इसमें से मैक्सिमा भी मिल जाता है सर। तो नो वंडर कि आपका ये जो है ये ऐसा बन जाता है। हाँ सर, समझा सर। देखिए सर, ये क्वेश्चन को अगर आपने बोर्ड के हिसाब से करना है तो बोर्ड के हिसाब से तो पूरा तामझाम करना पड़ेगा। यस सर। अब इसमें दो तीन, अब आपको डिपेंड करता है कि आपके फंडे कितने क्लियर हैं। अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो दो तीन चेक्स हैं जिससे आपको अपने आप समझा जाएगा कि आप ठीक रास्ते पे चल भी रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सर बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब देखिए सर, 16 तक हमने कर लिया, लॉजिक मोस्ट प्रॉबली आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बढ़िया सॉल्यूशन बना के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चिराग जी बात समझ आ रही है? यस सर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरी असम्पशन ये है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ। मेरी असम्पशन ये है कि लास्ट में जाके ये शायद क्वेश्चन नंबर 22 आपको ना समझ आए, या क्वेश्चन नंबर 23 ना समझ आए। 22 और 23 जो है वो थोड़े से टेढ़े हैं, ये जो लास्ट वाले हैं ना, ये शायद थोड़ा सा आपको यहाँ पर डाउट आए, बाकी आपको बीच वाले जो क्वेश्चन हैं वो समझ आ जाएंगे। सर बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। 17 से लेके 21 तक मोस्ट ऑफली आपको समझ आ जाएंगे। यहाँ पर कोई डाउट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सॉल्यूशन सारे के सारे आपको ये फाइल में मिल जाएंगे। सर, नहीं सर।